अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा फुल एंड फाइनल लास्ट डे है सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस में। 23L मेरे ख्याल से एड्रेस था इसका, और ये मैं कोई इस तरह नहीं कर रहा कि आज मेरा लास्ट सेमेस्टर का डे है या ऐसा वैसा कुछ। हमारा कैंपस असल में हो रहा है चेंज, और इसी याद में मैं बना रहा हूँ ये ब्लॉग। पूरा यहाँ से शिफ्टिंग कर रहे हैं, और इसके बाद शायद हम कभी इस कैंपस को ना देख सकें, नए कैंपस में जाएंगे। तो अभी ना एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी इसलिए भी आया था, मैंने असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन जमा करानी थी। ये हमारे भाई जा रहे हैं, सारे काम में लगे हुए, तो असाइनमेंट्स तो जमा हो नहीं सकी। प्रेजेंटेशन जो है वो मैम से बात हुई है, वो कह रही हैं कि आप वीडियो बना के मुझे इस तरह सेंड कर दें। तो अभी मैं आपको थोड़े बहुत इस यूनिवर्सिटी से हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, यानी थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ कैफे वगैरह सारा कुछ, क्योंकि अब इससे नेक्स्ट ब्लॉग जो भी मेरा होगा यूनिवर्सिटी में वो नए कैंपस में ही होगा, और ये आज चेंज हो रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत ये कैंपस अपना कि किस तरह का सा था हमारा ये कैंपस। अभी इधर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, और फिर बाद में वो मैम को सेंड करेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। To say that for destruction, eyes is also great and worth it. Now I'm going to like to call Rehar Baksh for the next slides. ये हमारा वो क्लासरूम था जहाँ पे हमारे फाइनल या फिर मेट्स के पेपर होते थे। एक ये भी कोई क्लासरूम है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये भी मैं आपको, ये मेरे ख्याल से ई कॉमर्स वालों की क्लास है, और यहाँ हमारे नौजवान जो हैं वो दे रहे हैं प्रेजेंटेशन। क्या बात है, ये हमारी बुक शॉप होती थी जहाँ से फोटोकॉपी और असाइनमेंट्स की बाइंडिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ मोस्टली काम करवाते थे। ये हमारा एक छोटा सा लाडला सा कैफ़े होता था जो कि हर वक्त भरा रहता था, यहाँ बैठने की भी जगह नहीं मिलती थी। क्या बात है, वो इधर शेख साहब नहीं है गए में सारा, इधर देखे इधर जूसेस की प्राइसेस वगैरह, ये अंदर किचन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, ये मैं पहले कभी इस तरह किचन में नहीं आया, मैं बस वहां तक ही होता था, यहाँ तक ही। यहाँ से गरम चाय वगैरह यहाँ पे बनती है, सैंडविचेस वगैरह और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, और एक ये छोटा सा कैफ़े था हमारा जो कि हर वक्त ही भरा रहता था, बैठने की जगह ही नहीं मिलती थी, आधा आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता था। इस वक्त मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट नहीं है हमारे अलावा इस यूनिवर्सिटी में। हमारा फूड फेस्टिवल और गाला वगैरह होता था सारा कुछ इधर ही, यानी कवाली नाइट और सारा कुछ इधर लगता था। आपको मैं कोशिश करता हूँ अपनी क्लास भी दिखा सकूं। ये लर्निंग सेंटर है मेरे ख्याल से सोल, और वो एंड पे हमारी क्लास है। ये हमारी लाडली क्लास जिसमें हमारे तीन सेमेस्टर गुजर चुके हैं, ये भी मैं आज लास्ट टाइम दिखाया था क्योंकि अब फिर हम इस क्लास में नहीं आ सकेंगे। भाई साहब प्रोजेक्टर वगैरह उतार रहे हैं, क्या बात है यार। ये पल याद आएंगे, दो पल
ये पता नहीं कौन सी उसकी है क्लास, ये भी है एक, बाकियों का मुझे नहीं पता। बाकी यार इस क्लास में हमारे 3 सेमेस्टर गुजर चुके हैं और अब ये लास्ट डे ही है, बस ये ख़त्म, ये लॉक दरवाज़ा, सब कुछ ख़त्म, बाय बाय सिटी कैंपस। चलते हैं अपने बॉयज़ के पास, देखते हैं उनकी प्रेजेंटेशन कहाँ तक पहुँची। मैंने तो सबसे पहले दे दी थी इसलिए मैं फ्री हो गया हूँ, तो उनके पास पहुँच के देखते हैं कहाँ तक प्रेजेंटेशन पहुँची है और दिखाते हैं आपको। इधर रश ही रश लगा हुआ है, ये हम दूसरे रूम से इधर आ गए हैं क्योंकि उधर शोर बहुत आ रहा है, तो हमने कहा कि किसी खामोश वाले रूम में दे देते हैं। ये देखिए अभी इसके साथ प्रैंक होगा। सर फिर वो मतलब कि आप क्या करना सर, मुझे सर ये अगर आप एक फेवर कर सकें, हम आपको वीडियो में प्रेजेंटेशन भेज देते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन तो हम कैंपस में ही हैं, हम यहीं पे अपनी प्रेजेंटेशन बना कर चलें, मैं हम अभी बना कर आपको सेंड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो है रैबिक का प्रोजेक्ट हो रहा है प्रेजेंटेशन, तो इसमें यह है कि हमें डिजिटल मीडिया का एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके भी हमने ब्लॉग्स बना रहे हैं। अब ये तलहा जो है वो अपना खाने का ब्लॉग अलग से बना रहा है, इधर हम खाना खाने आए हुए हैं, इन बच्चों को मैं ट्रीट दे रही हूँ भाई की खुशी में। अच्छा तो तलहा ब्लॉग बना रहा है बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है व्लॉग बनाने का, दिखाएं जरा। मुश्किल काम है, कई रुपए सारा पर। कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना नगेट्स ला के दिए हैं और बहुत अच्छा लगा इनका सर्विंग स्टाइल। चलो यार ये खाते हैं और अभी ये भाई भी व्लॉग बनाएंगे अपना, देख सकते हैं जिंगर का साइज। तलहा साहब कैसा लगा आपको टेस्ट? टेस्ट भी ऐसे बहुत अच्छा है। कैसी लगी फिर आपको मेरी? तो खाना हमने खा लिया था इधर, ट्रीट वगैरह दे दी थी, और उम्मीद है आपको ये आज का छोटा सा बारीक सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट इसी ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई फरहान सिद्दीकी, अल्लाह हाफिज़।